केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त उपकरण SGVN के नागपा झाकड़ी पावर स्टेशन ने लॉकडाउन में भी लोगों की जरूरतों को देखते हुए बिजली आपूर्ति को यथावक्त बनाए रखा। देश के इस सबसे बड़े भूमिगत पावर स्टेशन ने अप्रैल में अब तक 810 मिलियन यूनिट बिजली तैयार कर देश के 9 राज्यों को बिजली दी है। परियोजना ने पानी की उपलब्धता के हिसाब से लॉकडाउन में कम कर्मचारियों से परियोजना को बेहतर संचालन भी किया है। परियोजना संचालकों के इस प्रयास से पड़ोसी राज्यों को जरूरत मुताबिक बिजली देने के साथ राज्य से भी सामान्य दिनों के बराबर अर्जित किया गया। परियोजना संचालकों ने बताया कि 5 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता दिखाने के लिए रात 9:09 के बिजली बंद करवाने का आह्वान किया था। इस दौरान पावर सरप्लस होने के कारण उत्तर भारत में ग्रिड फेल होने की संभावनाएं भी बढ़ गई थी, लेकिन SJVN की नागपा झाकड़ी और रामपुर परियोजना ने ग्रिड ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम फ्रीक्वेंसी के साथ लोड जनरेशन बैलेंस बनाए रखा, जिससे ग्रिड फेल होने से बचने में अहम भूमिका निभाई है। नागपा झाकड़ी पावर स्टेशन के प्रमुख RC नेगी ने बताया कि ऐसी महामारी के दौरान भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक सेवाओं को सीमित कर्मचारियों के साथ जारी रखा गया, ताकि इस मुश्किल के दौर में देश में बिजली की कमी महसूस ना हो। इसके साथ साथ राज्य से नुकसान से भी परियोजना को बचाया गया। नागपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, जब से ये महामारी COVID-19 पूरे देश में फैला हुआ है, नागपा झाकड़ी पावर स्टेशन भी अपने पूरे जोर शोर से देश की सेवा में तत्पर है। और इसमें नागपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, जो देश का सबसे बड़ा पावर हाउस, अंडरग्राउंड पावर हाउस है, जहाँ पे हमारे विशिष्ट इंजीनियर्स वर्कर्स दिन रात काम करके इस पावर हाउस को चलाए रखे हैं, और इसमें बहुत कम मैन पावर के बावजूद भारत सरकार के डायरेक्शंस थे कि मिनिमम मैन पावर रखने हैं, तो स्केलेटन स्टाफ के साथ इस पावर हाउस को चलाए रखे और देश के प्रगति में सहयोग देते रहे। उस क्वारंटाइन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम सब पावर इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स ने साथ दिया।